दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ रामपुर शहर में एक बहुत बड़ी हस्ती के मुकाम पर, यानी कि शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे। मैं बिल्कुल दरगाह के ठीक सामने खड़ा हूँ, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। और आज मैं आपको इस दरगाह को बहुत ही बारीकी के साथ और एक एक इस दरगाह का हिस्सा, और मैं हजरत की कुर्बत, अंदर से मज़ार शरीफ कैसा है, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखे मंजर। तो दोस्तों, चलते हैं दरगाह के अंदर और दिखाते हैं आपको हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अंदर से। आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर। सही बताया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं, देखिए दरगाह के बिल्कुल सामने। और यहाँ देखिएगा, ये देखो दरगाह के सामने मोटरसाइकिलें वगैरह सब खड़ी हैं, इस काफी स्पेस है इधर। और इधर चादर का और जो यहाँ इलाची दाने और ये मीठे कुछ चढ़ाते हैं, फूल वगैरह सब ये यहाँ इसका इंतजाम है। लोग यहाँ दरगाह पे आते हैं, उसके बाद में यहाँ से अपना चढ़ावा लेते हैं, यानी कि अगरबत्ती, फूल और ये सब मिठाई वगैरह यहाँ से लेते हैं। उसके बाद दरगाह में अंदर जाते हैं। और रामपुर के बहुत ही मतलब बड़ी हस्ती हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब की दरगाह है ये, जो कि इसे हर कोई जानता है इस नाम को, कि कितना बड़ा, कितना आला नाम हमारे इस रामपुर में ये सब जाना जाता है। आइए दोस्तों, बहुत खुशनसीब है हमारे चैनल की कि आज इस दरगाह को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आइए दरगाह को दिखाते हैं बहुत करीब से। और आज जैसे कि यहाँ जुमेरात का रोज है, जुमेरात के रोज ज्यादा रश रहता है यहाँ पे, क्योंकि अभी जहर का टाइम है और हमने भी नमाज पढ़ी है यहाँ पे अभी जहर में। तो जहर की नमाज के बाद में यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही बढ़ने वाला है थोड़ी देर में। आप देखने वाले हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है। और बाद असर की नमाज के यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रश होता है। और मगरिब के टाइम तो यहाँ जुमेरात के रोज यहाँ पे समझ लीजिएगा पैर रखने जगह नहीं होती है, इतना रश यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये दरगाह करीब से, चलते हैं और एक एक हिस्सा आपको इस दरगाह का हम दिखाने वाले हैं। इस दरगाह के अंदर वुजू का इंतजाम देखिए, ये इधर वुजू, ये सब वुजू का इंतजाम है नमाजियों के लिए। और ये जो हमारे यहाँ पर बड़ी अकीदत के साथ लोग आते हैं, उनके यहाँ पार्किंग जैसी दिख रही है यहाँ पे। और ये देखिए काफी स्पेस यहाँ पे, यहाँ लोग बैठे, या देखिए हमारी माँ बहनें ये सब बैठी हुई है, इधर उनका इंतजाम है इस दरगाह में। और वहां पर नमाज अदा करने का एक मुकाम बनाया गया है, जहाँ पर हमने भी अभी नमाज अदा की है। तो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको एक एक हिस्सा यहाँ दिखाने वाला हूँ और यहाँ की जानकारी यहाँ के मुकामियों से लेकर भी आपको पहुंचाने वाला हूँ मैं। एकदम से लोग कहते हैं कि हाफिज साहब का मजार, हाफिज साहब की दरगाह, क्योंकि शॉर्टकट में लोग कहते हैं हाफिज साहब की दरगाह रामपुर में, लेकिन उनका पूरा नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं लोग। आइए, कहते हैं बहुत पुरानी दरगाह रामपुर, जब तामीर हुआ था, रामपुर की जब नींव रखी गई थी, जब से हजरत यहाँ पर तशरीफ फरमाए इस रामपुर के अंदर, और रामपुर में सबसे पहले जो यहाँ पर तशरीफ लाए थे, सबसे पहले हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे। और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसी मतलब इस तरीके के इनके वाक्य हैं कि आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे, लेकिन वो भी हम विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले कि मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी दरगाह, कितने पुराने समय की ये दरगाह है, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये आप दीवारें देख रहे हैं जिसको कहते हैं चुनिया ईंट, जो पहले नवाबों के दौर में किले बनते थे, पुरानी इमारतें बनती थी, तो उस समय यही छोटी छोटी चुनिया ईंट से ही किले और इमारतें बनाई जाती थी। उसी चुनिया ईंट से ये दरगाह बनी हुई है, आप देख रहे हैं। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसको एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर इसको यहां दीवारों पर कुछ छुटाया गया है इसका, और उसके बाद में इस चुनिया ईंट के ऊपर ये देख रहे हैं आप सफेद पत्थर, मैं ये नहीं कह सकता कि संगमरमर है या क्या है,
लेकिन ये सफेद पत्थर इस पे अब चढ़ाया जा रहा है इस दीवार पे और बहुत खूबसूरत बनने वाली है हमारी हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब दरगाह। ये आप देखने वाले हैं आने वाले वक्त पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत इसको लुक दिया जाने वाला है। दोस्तों ये हमारी खुशनसीबी है हमारे रामपुर के निवासियों की, क्या इतने बड़े मतलब यहाँ पर हजरत यहाँ पर तशरीफ फरमा है और बहुत दूर दूर से ज्यारत करने इनकी लोग आते भी हैं और बूढ़ा बच्चा जवान सब लोग इनके नाम से वाकिफ हैं। और यहाँ अगर रामपुर कोई आया है और यहाँ पर नहीं आया तो समझ लो उसका रामपुर आना बेकार है। देखिए ये सामने आप देख रहे हैं, जितना कहा जाए इतना कम है। ये देखिए आपने जरूर सुना होगा हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरी ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में पहुंचने वाली है और आप सामने से मेरे चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी हस्ती के दीदार करने वाले हैं। आइए दोस्तों मैं चलता हूं अंदर और सामने से आपको दीदार कराता हूं हजरत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दोस्तों यह देखिए, अस्सलाम वालेकुम। यह देखिए वो इतनी बड़ी हस्ती हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मुकाम है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी माए बहनें कितने अकीदे से कितनी अकीदत से यहाँ बैठी हुई हैं। और सुबह से कुछ तो ऐसे होते हैं सुबह से शाम तक क्या दो दो तीन तीन महीने से बहुत दूर दूर से आकर के अपनी मन्नतों के लिए यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं हजरत को राजी करने के लिए, मनवा के जाते हैं बात हजरत से। देखिए और मेरा ये मानना है कि दिल से जो इनसे ख्वाहिश की है अल्लाह के हुक्म से वो पूरा भी होता है। देखिए ये देखिए इधर देखिए क्या कहेंगे ऐसे मंजर को, और दीदार करके आदमी ये समझ लेता है कि हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आज ऐसी जगह हम मौजूद हैं। दोस्तों हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब की दरगाह हमने आपको अंदर से दिखाई है और अब दिखाने वाले हैं हम इस दरगाह को चारों तरफ से। आइए दोस्तों बाहर चलते हैं। आप क्या नाम है आपका? आसिफ अली। कहाँ से आए आप? ब्लॉक चमरौआ। चमरौआ ब्लॉक, यही आसपास में कहीं? जी है? अच्छा हम 10 किलोमीटर। तो क्या जुमेरात का रोज़ इसलिए आए या हमेशा आते रहते हैं? देने आते रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, कोई खास बात जो यहाँ पर आप? हाँ दिल से ही मोहब्बत है हाफिज साहब से, इसलिए हाजिरी देने जिस वक्त भी टाइम मिलता है हाफिज साहब के दरबार। क्या यहाँ पर पुराने समय की, बहुत पुराने समय की यहाँ पर तुरबतें यानी कब्रें मौजूद हैं। यह तो नहीं कह सकते ये किस किस की हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सब ये कब्रें बहुत पुराने समय की यहाँ दरगाह के एक साइड से बनी हुई है। और एक मंजर में आपको और दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, इधर दिखाओ कैमरामैन से कहूँगा, सामने से दिखाओ कितनी कब्रें यहाँ हैं। ये देखिए अब कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे पीछे आए और मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक तरफ से कितनी कब्रें यहाँ पुराने टाइम की बनी हुई है। ये देखिए यहाँ तक, और अब मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ से दिखाने वाला हूँ यहाँ से बनी बनी। और ये देखिए यहाँ पर पुराने समय की चुनिया ईंट की कब्रें यहाँ मौजूद है। देखिए दिखाने वाला हूँ मैं दिखाई। आपका क्या नाम है भाई साहब बताइए? जी मेरा नाम बबलू है। बबलू भाई जी। अच्छा क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहीं रहता हूँ सरकार। यहीं रहते हैं? इंतजाम में हैं? जी इंतजाम। वेरी गुड। और तो हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा क्या क्या है यहाँ पर। आइए ये इसमें ये यहाँ से सरकार के आस्थाने से ऐसे जाएंगे सीधे, ये सीधे अच्छा। हाथ को जाने के बाद हाँ। ये हजरत इमामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मदार है। अच्छा ये सरकार के हमारे खलीफा हैं। अच्छा इनके हमारे, जी हाँ हमारे हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब के खलीफा। इनके खलीफा ये जी जी हाँ। क्या नाम बताया इनका? इनका हजरत इमामुद्दीन साहब। अच्छा देखिए दोस्तों जी, और बड़े खलीफा जो है वो शदरगाही में गोबेलाही।
अच्छा, ये छोटे खलीफा हैं। तो इनके आस्थाने पे जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं, हाजिरी पेशी लगती है तो यहाँ हाजिरी लेते हैं लोग। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूँ मैं, मैंने ये सुना है कि इनकी बहुत मिसालें ऐसी हैं जी जी, जो कि एक अनहोनी से लगती हैं। कोई ऐसी मिसाल बताएंगे? सरकार की मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन वो हजरत सरकार जो थे शहजादी महबूब इलाही, वो हजरत सरकार के हाफिज शाहजा मौला साहब के पास रहा करते थे। अच्छा, तो वो सरकार को शिकार का बहुत शौक था। अच्छा, इनको जी, तो महबूब इलाही को साथ में ले जाया करते थे। तो वो जंगल में जाने के बाद में वो जितने जो पक्षी हुआ करते थे उन सबको उड़ा दिया करते थे, सरकार ऐसे ले जाया करते थे। तो एक दफा सरकार ने ये कहा कि ऐसा है दरगाहिया, तुम यहीं बैठ जाओ। तो वो वहीं रुक गए, सरकार निकल गए। जब सरकार निकल गए तो वो कम से कम 12 बरस के बाद में फिर शिकार को जब उनका गुजर होता है, अच्छा, तो वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं तो दरगाहिया की खुशबू आती। तो अच्छा, वो ही कह रहे हैं जमालुल्लाह कि हम तो दरगाहिया को लेके नहीं आए थे, लेकिन ये दरगाहिया की खुशबू यहाँ कैसे आ रही है। अच्छा, उन्होंने जब आवाज दिया तो पता चला कि सरकार ये कहते हैं कि जब आप मुझे खड़ा करके गए थे सरकार, तो मैं तो जब से यहीं खड़ा हूँ। उनके ऊपर घास है और बीले सब जम गई थी, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रुतबा उनको दे दिया। इन्होंने जी हाँ, हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब ने सबसे ज्यादा रुतबा उनको दे दिया, शदरगाही महबूब इलाही को। अच्छा अच्छा, कि मेरे पास जो भी आगा मन्नत मुराद वाला वो पहले वहाँ जाएगा, बाद में यहाँ आएगा जब उसकी मुराद पूरी होगी। अच्छा जी, पक्के बाग पे जो है अंदर जाने के बाद में वो है। बहुत खुशी की बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आपने पूछा। तो दोस्तों चलते हैं इधर, देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जनान खाना सा है यहाँ पर। हाँ, लेडीजें बैठती हैं अक्सर यहाँ पे, और उनके लिए ये बैठने का मुकाम बनाया गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ आज हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब की दरगाह, बहुत विस्तार से, बहुत ही विस्तार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी देखिएगा, ये सब में काम चल रहा है इसमें दरगाह में। ये देखिए जो मेन गेट है, हमने आपको बाहर से भी दिखाया है और अंदर से देखिए दरगाह का गेट ये है। तो दोस्तों आज आपने देखी हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, और मैंने बहुत विस्तार से अपने चैनल अनोखे मंजर में आपको दिखाई ये दरगाह। बहुत बड़ी हसरत आपकी हमारे चैनल के माध्यम से आज पूरी हुई है। मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।